आप सभी साथियों को और मां संगी अरिन को लगी मोजरा रजवा। आज मैं फिर से आप लोगों के पास एक नए वीडियो कार्यक्रम के साथ हाजिर हुआ हूं। तो लीजिए प्रस्तुत है या नया वीडियो कार्यक्रम। दोस्तों, मैं कल आप लोगों को कुरुख कैसे सीख सकते हैं इस संबंध में मैंने चार टिप्स बताए थे। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। इन चार टिप्स को अगर आप लगातार करेंगे और 15 मिनट समय अगर आप रोज दिन निकालते हैं कुरुख सीखने के लिए, तो आप जरूर कुरुख में मास्टर हो जाएंगे और अच्छी तरह से बोलना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग कुरुख सीखना मत छोड़िए, नेवर गिव अप, आप कभी मत छोड़िए। हमेशा कुछ ना कुछ समय जरूर निकालिएगा, 15 मिनट हर दिन 15 मिनट आप अपनी मातृभाषा के लिए दीजिए, तो आप जरूर अच्छी तरह से कुरुख भाषा बोल लेंगे। तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप व्याकरण नहीं सिखाते हैं। दोस्तों, कुरुख भाषा को सिखाना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल्स की बहुत कमी है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बहुत कम इसका आर्टिकल्स देखने को मिलता है। इंग्लिश और हिंदी की तरह यह अभी भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इसके लिए स्पेशल तैयारी करनी होती है। और आप लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति आज की तारीख में बहुत व्यस्त रहता है, तो मैं भी उतना समय निकाल नहीं पाता हूँ। कभी जो कुछ भी मुझे आता है, मैं आप लोगों को जरूर सिखाने का प्रयास करूँगा। और आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को देखते रहिएगा और मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को कुरुख सिखाने का जरूर प्रयास करता रहूंगा। तो लीजिए, मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कुरुख का सेंटेंस कैसे बनता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंजुगेशन। कुरुख शब्दों का संयोजन कैसे करते हैं, कैसे बनता है वाक्य, तो मैं शुरू करता हूँ। पहला सेंटेंस है एन ओंदन, एन ओंदन। इंग्लिश में बोलेंगे तो I eat, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब दूसरा मान लीजिए कि आप खाना खा चुके हैं, खा चुके, खत्म हो गया आपका खाना, तो उसको कुरुख में बोलते हैं एन ओंडकन। याद रखिएगा, ये अपने बारे में आप बोल रहे हैं, अपने बारे में आप बता रहे हैं किसी को, एन ओंडकन। इंग्लिश में आई एट पास्ट टेंस, भूतकाल हिंदी में। उसी तरीके से आप इसका भविष्यकाल बनाइए, फ्यूचर टेंस, एन ओनोन। इसका इंग्लिश में होगा आई विल ईट। ये है आप अपने बारे में, खाने के विषय में लोगों को बता रहे हैं। आप मान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और कोई व्यक्ति है, या तो दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तब आप कुरुख में कहेंगे एम ओंदम। दो लोग मान लीजिए आपके दोस्त लोग हैं और आप तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, तो आप उनको कहेंगे, अपने बारे में बताएंगे, खाने के बारे में, एम ओंदम। इंग्लिश में वी ईट, आप इसका भूतकाल बनाइए,
तो भूतकाल में कुरुख में क्या बोलेंगे, एम ओंडकम, एम ओंडकम। इंग्लिश में वी एट, वी एट। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या होगा, फ्यूचर टेंस में इधर वो और वी विल ईट इंग्लिश में बनर अदिन कुड़ुख मुकनिंग के बनर ओ लेकर तो और एम ओनो, एम ओनो। अब आप किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में आप किसी तीसरे व्यक्ति को या लोगों को बता रहे हैं, तब उस व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे, आस उन्दस, आस उन्दस। ही ईट्स, ही ईट्स। यदि ही भूतकाल कमा आस उन्दस, आस उन्दस। ही एट, ही एट। यदि की भविष्यकाल कम आ इसका फ्यूचर टेंस बनाइए, आस ओनोस, आस ओनोस। ही विल ईट, ही विल ईट। आप मान लीजिए कि उसके जगह में कोई लेडी है, महिला है, तो उसको आप कैसे बताएंगे, तो यहां पर आस नहीं होगा, आपको क्या बोलना होगा, आत उनी। पुरुष के मामले में आपने क्या कहा था, आस उन्दस, लेकिन अगर महिला हो गई तो क्या हो गया, आत उनी। सी ईट्स, सी ईट्स। ये सिंपल फॉर्मेशन है, फिर पास्ट टेंस इसका होगा आद उंडा, आद उंडा। सी एट, सी एट। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या होगा उस महिला के बारे में, तो उसको कुरुख में बोलते हैं आत ओनो। जब पुरुष था उस समय क्या बोलते थे, आस ओनोस। महिला है तो क्या हो गया, आत ओनो। इंग्लिश में सी विल ईट, सी विल ईट। तो संज्ञारो कुरुखनु, दोस्तों कुरुख में जितने निर्जीव पदार्थ हैं, जितने निर्जीव हैं, पेड़ पौधे पक्षी या कोई सामान, उन सारे चीजों को भी स्त्रीलिंग के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए बिल्ली भी होगा, है ना, महिला के जगह में अगर कोई बिल्ली कुछ खाना खा गया, खीर खा गया, तो उसके मामले में भी जैसे महिला को आपने कहा, महिला को हम लोग व्यवहार किए, उसी तरीके से उसके लिए भी व्यवहार बनाएगा। जैसे आद उनी, बेरखा उनी, कैट ईट्स, आद उंडा, आद हुंडा। फिर फ्यूचर में आप रखा गए उस बिल्ली के लिए क्या कहेंगे, आद ओनो, आद ओनो। इट विल ईट, इट विल ईट। आप मान लीजिए कि
बहुत सारे लोग कहीं खड़े हैं उनके उन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक लोगों के बारे में, दो या दो से अधिक लोगों के बारे में आप अपने दोस्त को या दोस्तों को बता रहे हैं, मैंने थर्ड पर्सन लोगों को आप बता रहे हैं, तब उनके लिए आप बोलेंगे आर ओनर, आर ओनर। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो आर जिसको बोल रहे हैं आर, वे लोग महिला बच्चे बड़े छोटे दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनके लिए बारे में आप अपने दोस्तों को या दोस्त को बता रहे हैं, तो उनके लिए आर कुड़ुख में प्रयोग किया था। आर आ में आ की मात्रा रा, आर, तो आर उन्नर, आर उन्नर, उंडर, आर उंडर, दे एट, दे एट, इसका फ्यूचर टेंस होगा आर ओनोर, आर ओनोर, दे विल ईट, दे विल ईट। अच्छा, यहां फिर आप ध्यान दीजिएगा कि से अधिक महिला लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी समूह या दो से अधिक लोगों के बारे में महिला लोग आपस में बात कर रहे हैं, तब उस समय क्या बोलेंगे इसको, महिला लोग केवल आपस में बात कर रहे हैं तो यहां आर उन्नय हो जाएगा, आर उन्नय, दे ईट, आर उंडय, आर उंडय, यहां पे उंडा नहीं हो रहा है, आर उंडय, दे एट, दे एट, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें क्या होगा, कुरुख में महिला लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी दूसरे लोगों के बारे में, तो फ्यूचर में होगा आर ओनोर। यहां पहले भी हम लोग ओनोर व्यवहार किए थे, यहां महिला लोग भी बोल रहे हैं आर ओनोर, दे विल ईट। अब दो या दो से अधिक लोगों के बारे में उन्हीं को आप बोल रहे हैं, नीम उंदर, नीम उंदर, नीम, जैसे कहीं जा रहे हैं मार्केट जाते रहते हैं हमेशा, तुमको नीम कादर आप लोग जाते हैं, तो यहां होगा खाने के मामले में नीम उंदर, यू ईट, यू ईट, यू ईट, क्योंकि यहां पर दो से अधिक लोग हैं इसलिए लोग वो लोग प्लूरल हो गया, लेकिन इंग्लिश में यहां पर एक व्यक्ति के लिए भी यू होता है और ज्यादा लोगों के लिए भी यू होता है, या फिर यहां पर आप कह सकते हैं ऑल ऑफ यू ईट, ऑल ऑफ यू ईट। तो नीम उंदर, यू ईट, इसका पास्ट टेंस नीम उंडकर, नीम उंडकर, यू एट, यू एट, भविष्यकाल नीम ओनोर, नीम ओनोर, यू विल ईट, ऑल ऑफ यू विल ईट। अब यहां पर एक व्यक्ति के लिए भी आपके सामने व्यक्ति खड़ा है तो उसी के बारे में उसी को आप बोल रहे हैं, तब कुरुख में क्या बोलेंगे,
खाने के मामले में नीन उंदे, नीन उंदे, यू ईट, यहां भी यू ईट हो रहा है, नीन उंदे, लेकिन कुरुख में नीम उंदर हुआ, उंदर शब्द में सेकेंड शब्द में चेंज हुआ, लेकिन इंग्लिश में यू ईट ही हो रहा है, यू ईट, इसमें नीम उंदर, यू ईट, और यहां एक व्यक्ति के मामले में भी नीन उंदे, तो इंग्लिश में भी यहां भी यू ईट हो रहा है। भूतकाल में देखिए पास्ट टेंस, नीन उंडुकै, नीन उंडुकै, यू एट, यू एट। भविष्यकाल नीन ओनोए, नीन ओनोए, नीन अम ओनोए, जिसे बोलते हैं आप पानी पियेंगे, अगर ऐसा बनाना हो तो। दोस्तों कुरुख में आप देख रहे हैं कि महिला पुरुष एक वचन द्विवचन है ना, या बहुवचन, सभी के लिए अलग अलग शब्द है, सिंपल टेंस या प्रेजेंट टेंस, और भूतकाल में अलग शब्द आ रहा है, फ्यूचर में अलग आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो है ना वही चीज बोल रहे हैं, जैसे आई ईट, आई एट, आई विल ईट, तो इसी तरीके से शब्द में बहुत ज्यादा, सेकंड शब्द में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन कुरुख में बहुत सारा शब्द के मात्रा में और उसके उच्चारण में। निमेरल दर कुरुख वर्ल्ड नम है चैनल, कई शब्द बनते हैं, तो इंग्लिश से ज्यादा कुरुख कठिन हुआ कि इंग्लिश कठिन हुआ? कुरुख ज्यादा कठिन है, तो इसलिए दोस्तों अगर इतना बारीकी से आप लोगों को अगर सीखना है और जानना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, प्रतिदिन 15 मिनट। आप लोगों को कितना समय देना है? प्रतिदिन 15 मिनट आप समय दीजिए तो आप अवश्य सीख पाएंगे, और जो मैं 4 टिप्स आप लोगों को दिया था उस पर ध्यान दीजिएगा और उसी हिसाब से कुरुख स्टडी कीजिएगा, तो आप लोगों का कुरुख मजबूत होगा और आप लोग अपने माता पिता से, बुजुर्गों से, गांव घर में आप कहीं जाते हैं तो अपने पुराने दोस्तों से कुरुख में बात करेंगे, अपनी भाषा में बात करने से ज़्यादा प्यार और प्रेम इज्जत की भावना दिखाई देती है, हिंदी में बोलेंगे तो वो प्रेम नहीं दिखता है जो, इसलिए आपको कुरुख सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों और सवियरो आज के लिए इतना ही, आप लोगों के पास एक नए वीडियो कार्यक्रम के साथ फिर आऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, ओलग्गी जोहार।